मुरादाबाद में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी बढ़ी दरों के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल सराफ ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी विभाग की ओर से जीएसटी की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद एक तो व्यापारी पहले ही परेशान है, ऐसे में जीएसटी की दरें बढ़ाए जाने से व्यापारी की हालत और खस्ता हो रही है। उन्होंने कहा कि कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। वहीं सराफा व्यापार पर भी 3% से बढ़ाकर जीएसटी 5% की जा रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। हमारा प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकार जीएसटी के कुछ दरें बढ़ाने का प्रावधान सरकार का है तो हम उसे वापस लेने के लिए उसका विरोध करते हैं और सरकार से ये विनती भी करते हैं कि उन बढ़ी दरों को सरकार वापस ले। मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि सरकार रेडीमेड के व्यापार के ऊपर 5% की जगह 12% कर रही है, कुछ जूता उद्योग हैं, कुछ अन्य उद्योग हैं, उस पर भी सरकार 5% की जगह 12% कर रही है। सराफा ट्रेड है, सराफा व्यापारी ज्वेलरी व्यवसायी हैं, उस पर भी सरकार 3% की जगह 5% कर रही है, तो हम उन सब का विरोध करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इन बढ़ी दरों को सरकार वापस ले। देखिए मांगी पूरी नहीं होने पर फिर हमारा संगठन उत्तर प्रदेश का उस पर विचार करेगा, फिर आगे की जो रणनीति होगी उस रणनीति पर फिर हम काम करेंगे।